सोच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है खबर का। खबर यूपी विधानसभा के मानसून सत्र का आज चौथा दिन है। आज का दिन महिला विधायकों के लिए यादगार रहेगा। आजादी के बाद पहली बार यूपी विधानसभा में ऐसा सत्र होगा जब विधानसभा सत्र में आज का दिन सिर्फ महिलाओं के नाम रहेगा। आज महिला विधायकों के लिए विशेष सत्र का आयोजन हो रहा है। सदन में सभी विधायकों को उपस्थित रहने के लिए कहा गया है, लेकिन बोलने का अवसर सिर्फ महिला सदस्यों को मिलेगा। बता दें कि प्रत्येक महिला सदस्य को 3 से 8 मिनट तक का वक्त मिलेगा। 150 महिलाओं को आज विधानसभा में आमंत्रित भी किया गया है। बता दें कि आज मानसून सत्र का चौथा दिन है। ये मानसून सत्र 19 सितंबर से लेकर 23 सितंबर तक चलने वाला था। आज महिला विधायकों के लिए ये यादगार सत्र बनेगा, क्योंकि आज सदन में सिर्फ महिलाएं बोलेंगी। यूपी विधानसभा में पहली बार ऐसा होने जा रहा है। बता दें कि आज का दिन महिला विधायकों के लिए यादगार रहेगा। आजादी के बाद पहली बार यूपी विधानसभा में ऐसा सत्र होगा जब विधानसभा में आज सिर्फ महिलाएं बोलेंगी। आज महिला विधायकों के लिए विशेष सत्र का आयोजन हो रहा है। सदन में सभी विधायकों को उपस्थित रहने के लिए भी कहा गया है, लेकिन बोलने का अवसर सिर्फ महिला सदस्य को मिलेगा। बता दें कि प्रत्येक महिला सदस्य को 3 से 8 मिनट तक का वक्त मिलेगा। और इसमें अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सागर हमारे साथ जुड़े हैं। सागर, आज एक विशेष और एक अलग तरीके से प्रयास किया जा रहा है महिला सदन को लेकर, जिसमें आज सिर्फ महिलाएं बोलेंगी। जी, आपको बता दूं नंदिनी कि ये आज़ादी के बाद से ये देश में पहली बार हो रहा है कि किसी विधानसभा में केवल वो महिलाओं के लिए दिन रखा गया। आज महिलाएं केवल बोलेंगी और प्रदेश में 47 महिला विधायक हैं और 8 विधानसभा की विधायक हैं, और तमाम जो 150 महिलाओं को आज आमंत्रित किया गया। और साथ ही सबसे बड़ी बात बता दूँ आपको कि इसमें सभी दल के सभी विधायकों को बताया गया है, बोला गया है कि साफ साफ आप सदन में मौजूद रहेंगे। और सबसे बड़ी बात, अच्छी बात यह है कि जो आज महिला सत्र रखा गया है, सबसे अच्छी बात यह है कि महिलाओं में जो संकोच होता है, महिलाओं में प्रश्नकाल को लेकर संकोच होता है, तमाम चीज़ें होती हैं, उन सबको दूर करने के लिए भी ये सरकार द्वारा एक पहल उठाई गई है। और यूपी में, और शायद मैं बता दूं आपको, देश में पहली बार हो रहा है कि इस महिला दिवस को बेहतर तरीके से बनाया जा रहा है और महिला दिवस एक विधानसभा में रखा जा रहा है। जी सागर, क्या लग रहा है कि महिला आज बोलेंगी तो कौन कौन सी योजनाएं या कौन कौन सा ऐसा होगा, कौन कौन सी ऐसी योजनाएं होंगी जो महिलाओं के लिए? देखिए, महिलाओं की बहुत सारी परेशानियां होती हैं और महिलाओं की बहुत सारी दिक्कतें भी होती हैं, और तमाम चीज़ें हैं। महिला सुरक्षा को लेकर भी शायद महिला बिल पास करवा सकती हैं या फिर अपने प्रश्नकाल रख सकती हैं सरकार के सामने, चाहे वो कांग्रेस की विधायिका राधा मिश्रा हो, चाहे अनुप्रिया पटेल हो, चाहे तमाम जो अलग अलग कानपुर से हो, चाहे घाटमपुर से, तमाम जगह के जो विधायक हैं वो सवाल भी सरकार के सामने रख सकती हैं। हालांकि कई महिलाएं जो हैं वो पक्ष में हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो विधायक हैं महिलाएं वो बीजेपी की हैं और कुछ ही ऐसे दल हैं जिनकी जो महिलाएं वो विपक्ष में बैठती हैं। तो कुल मिला के आज जो है केवल महिलाएं ही बोलेंगी, महिलाएं ही अपना प्रश्न करेंगी और महिलाओं को विशेष अधिकार दिया गया है आज के दिन, और केवल महिला विधायक की बात कर सकती हैं, सवाल कर सकती हैं, और प्रत्येक विधायक को 3 मिनट का समय दिया गया है, 3 मिनट का प्रश्नकाल वो करेंगी, और महिलाओं जो सवाल भी सरकार से होगा और तमाम चीज़ें होंगी। और आज देखा जाए तो बहुत ही एक अच्छा दिन माना जा रहा है, बहुत ही सुगम पहल है सीएम योगी सरकार की जो महिलाओं को आज बोलने का मौका दिया। अमूमन देखा ये जाता है कि महिलाओं को बोलने का मौका तो दिया जाता है लेकिन वो संकोच करती हैं, और इन्हीं सब क्रम को लेकर जो आज संकोच की वजह से ही इन सब चीज़ों को दूर किया जा रहा है कि महिलाएं जो है अपने प्रश्नकाल में अपने तमाम चीज़ें जो पूछती हैं, चाहे वो विधेयक संबंधी हो, चाहे बिल संबंधी हो, तो उसमें कोई संकोच ना करे, और महिलाओं के संकोचों को दूर करने के लिए आज ये सत्र रखा गया है। जी सागर, महिलाओं के लिए देखा गया कि किसी भी क्षेत्र में, लेकिन इस बार इस तरीकों से, मतलब किस तरीके से देखा जा रहा है कि सदन से लेकर और अलग क्षेत्र में से होकर फिर सदन तक पहुंचना, किस तरीके से चुनौतियों का सामना करना पड़ता है उनको?
जी देखिए नंदनी, सबसे बड़ी बात बता दूं कि देश के सर्वोच्च पद पर जो है वो महिला बैठी है, द्रौपदी मुर्मू जो है महामहिम राष्ट्रपति हैं वो बैठी हैं, और तमाम जो महिलाओं ने अपने हर क्षेत्र में अपने झंडे गाड़े हैं, चाहे वो ओलंपिक से लेकर हो, चाहे खेल मैदान हो, चाहे राजनीति हो, हर जगह महिलाएँ आगे हैं। और वो दौर एक चला गया जब जो है महिलाएँ पीछे हुआ करती थी, आज का दौर ये है कि महिला और पुरुष बराबर होकर चलते हैं। तो सरकार ने ये भी इन सब सोच को भी लेकर, इन सब जो विचार है इन सब को लेकर ही ये महिला सत्र रखा है, और मुझे लगता है कि बहुत ही बेहतर पहल है सरकार की, और शायद इससे तमाम जो राज्य हैं उनको भी प्रेरणा लेनी चाहिए, वो भी इस सत्र को कायम रखे अपने अपने विधानसभा में। जी सागर, क्या महिलाओं को इस बार बताया गया है कि अधिकतम से ले 8 मिनट तक और 3 मिनट तक बोलना है कम से कम, तो क्या लग रहा है गांवों की महिलाओं और बेटियों के लिए क्या कुछ अहम प्रस्ताव हो सकते हैं? जी मुझे बिल्कुल लगता है, क्योंकि 3 से 8 मिनट का समय दिया गया है, मैक्सिमम 8 मिनट का समय दिया गया है, और यहाँ पे जो गांव की योजनाएं होती हैं महिलाओं के लिए, चाहे तमाम शिक्षा संबंधी हो, चाहे महिला सुरक्षा संबंधी हो, चाहे चिकित्सा संबंधी हो, उन सब चीज़ों को लेकर महिलाएं जो महिला विधायक आज बोलेंगी, और इन्हें अवश्य बोलना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि इन जो भीड़ में जो है विधायकों की भीड़ में महिलाओं की आवाज़ दब जाती है, लेकिन विधायक होने के नाते उन्हें बोलने का पूरा विशेष अधिकार दिया जाता है, लेकिन विशेष अधिकार के बावजूद भी उनकी बातें कहीं ना कहीं टाल मटोल की जाती हैं, और सरकार हो चाहे विपक्ष हो चाहे प्रतिपक्ष हो, हर कोई महिलाएं से प्रेरित रहता है, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि महिलाओं की वजह से ही एक महिला आज देश की कमान संभाल रही है, और जो विशेष अधिकार दिए गए हैं महिलाओं को ही दिए गए हैं कानून में, संविधान में, और मुझे लगता है कि आज जो महिला सत्र बनाया गया विधानसभा में बनाया जा रहा है, मॉनसून का सत्र का 4th दिन है, और जो महिला सत्र बनाया जा रहा है इसे बहुत ही बेहतर तरीके से सरकार हो चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, इसमें पूरी तरह से सहयोग करेगा महिलाओं को, और पूरी तरह से हर जो विधेयक जो महिला लेके आएंगी उन्हें पास करने की पूरी कोशिश की जाएगी, चाहे महिला संबंधी हो, चाहे सुरक्षा संबंधी, चिकित्सा हो, चाहे शिक्षा हो, इन सब क्षेत्रों में बहुत सुधार की भी आवश्यकता हो सकती है, तो शायद मुझे लगता है कि जो महिला विधायक हैं इन सब चीज़ों को प्राथमिकता लेकर चलेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका सागर हमसे जुड़ने के लिए। एनआईए की टीम एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। देश भर में एनआईए की टीम ने पीएफआई के ठिकानों पर छापा मारा है। यूपी से लेकर केरल तक कार्रवाई की गई है। 10 से ज्यादा राज्यों में छापा मारा गया है और 100 से ज्यादा लोग हिरासत में लिए गए हैं। उत्तर प्रदेश से लगभग 10 लोगों को हिरासत में लिया गया है। खास बात यह है कि लखनऊ से लोगों को हिरासत में लिया गया है। हिरासत में लिए गए दोनों व्यक्तियों की पीएफआई से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं।
और इस खबर में अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विभांशु हमारे साथ जुड़े हैं। विभांशु, एनआईए और ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पीआईएफ पे छापा मारा है, इसको लेकर और क्या अधिक जानकारी सामने आ रही है? इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और ईडी की संयुक्त रूप से देर रात से छापेमारी की जा रही है। वहीं आपको बताएं कि 11 राज्यों में जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है पीएफआई, उनके ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है और लगभग 106 लोगों को गिरफ्त में लेकर पूछताछ भी की जा रही है। वहीं आपको बता दें कि जो पीएफआई के प्रमुख है ओला सालम, उनको भी अरेस्ट किया गया है। वहीं मीडिया रिपोर्ट के अनुसार लगभग 106 गिरफ्तारियों में से जो उत्तर प्रदेश है वहां से 8 गिरफ्तारियां की गई है। और बात करें तो लखनऊ के बादशाहनगर स्थित एक मोहल्ले से एक पीएफआई के जो सदस्य थे उनको गिरफ्तारी की गई है और लगातार उनसे पूछताछ की जा रही है। वहीं अगर देश में 106 गिरफ्तारियों की बात करें तो 11 राज्यों से, आंध्र प्रदेश से 5, आसाम से 9, दिल्ली से 3, कर्नाटका से 20, वहीं केरला से 22, वहीं अगर बात करें तो मध्य प्रदेश से 4, महाराष्ट्र से 20, ऐसे करके पूरे देश भर में से अगर काउंट की जाए तो 106 सदस्यों से उनसे पूछताछ की जा रही है। अब पूछताछ में साफ तौर पे अगर देखें तो प्रधानमंत्री पर जो आतंकवादी संगठन उनकी जान का खतरा हो बताया गया था, उसमें पीएफआई का नाम आया था, जिसके बाद पीएफआई पे लगातार जो एनआईए है, ईडी है, तमाम एजेंसियां हैं वो लगातार नजर बनाए हुए थी। और अब जो 106 लोग हैं उनकी गिरफ्त में लेकर विधिवत पूछताछ की जा रही है। अब पूछताछ के बाद ये साफ होगा कि आखिर क्या उनसे पूछताछ में निकल के आएगा, साथ ही साथ उनकी फंडिंग भी चेक की जाएगी कि उन्हें कहां से फंड मिल रहा था और इस फंड का कहां उपयोग किया जा रहा था। वहीं आपको मैं भी बताएं कि हाल ही में अगर देखें तो साउथ दक्षिण भारत में जो बुर्का कांड था, बुर्का को लेकर काफी बवाल हुआ था, उसमें भी पीएफआई के कनेक्टर जुड़े थे। वहीं उत्तर प्रदेश में जब इन्वेस्टमेंट समिट हुआ था, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी, उस वक्त सूबे के मुख्यमंत्री, साथ ही साथ देश के प्रधानमंत्री, देश के राष्ट्रपति, तमाम गणमान्य कानपुर गए थे, वहां पे भी हिंसा हुई थी, तो इन सब जगहों पर पीएफआई का नाम आया था। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि जो आरोप लगा है पीएफआई पे, चाहे प्रधानमंत्री की सुरक्षा का बात हो, उसमें एक कमियों की बात हो, उनकी उनके जो तमाम जो आरोप लगे हैं उसको लेकर पूछताछ की जा रही है, उनके टीम से भी पूछताछ की जा रही है। वहीं अगर देखें तो जो तमाम एनआईए की टीम है, ईडी की टीम है, वो उनके तमाम जो दस्तावेज हैं जहां से पैसे की लेन देन है, साथ ही साथ उनकी नेटवर्क मैपिंग भी जांची जा रही है कि आखिर उनका नेटवर्क कहां तक फैला है। और पीएफआई जो मुसलमानों के हितों की काम करने की बात कहती है वो कितना हद तक अपने क्षेत्र में काम कर रही है। और वाकई में अगर देखें तो इस पूछताछ के बाद देख जो रिपोर्ट सामने आएगा वो देखने वाला होगा, क्योंकि हाल ही के दिनों में अगर देखें तो पीएफआई के कई नेता ऐसे भड़काऊ बयान दिए हैं जिसके बाद कहीं ना कहीं लोगों के बीच आपसी जो मोहब्बत है उस पर खतरा मटवाते हुए नजर आया है। अब वही अगर बात की जाए तो केरल में 12 साल पहले एक प्रोफेसर का हाथ काटा गया था, उसमें भी पीएफआई का नाम आया था। और पीएफआई के जो 106 सदस्य हैं, इसमें अगर बात करें तो ये सभी बड़े ओहदे के लोग हैं और इनसे पीएफआई की जो रोड मैपिंग है और जो भी फंडिंग है उसको लेकर पूछताछ की जा रही है। और कल देर रात से जो एनआई है और साथ ही साथ ईडी है, इसकी संयुक्त रूप से जो टीमें हैं लगातार छापेमारी की है। वही मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जो उसके चीफ कमांडर हैं ओलम साले, उनसे भी पूछताछ करने की बात कही जा रही है। इसमें बड़े अफसर लगातार पूछताछ कर रहे हैं और उनके दिए गए जवाबों से सवाल बनाकर फिर अगले सवाल है उन्हें क्वेश्चन दे रहे हैं, उनके दिया गए जो तमाम जवाब हैं उन जवाबों से सवाल निकाले जा रहे हैं। वही अगर बात की जाए तो अभी 106 लोगों से पूछताछ की जा रही है और आगे भी ऐसे कई सारे जो नाम आएंगे जिनसे पूछताछ में निकल के आएंगे, उनसे भी एनआईए की टीम और साथ ही साथ ईडी की टीम पूछताछ कर रही है। और जहां पे भी पूछताछ की जा रही है, जिन सब राज्यों में और जहां भी
जिस भी मुख्यालयों पर अभी छापेमारी चल रही है उन सब जगहों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। चाहे बात की जाए तो सीआरपीएफ की भी तैनाती की गई है और लोकल पुलिस यानी कि जो स्टेट पुलिस है उसको भी तैनाती की गई है। अब देखने वाली बात यह होगी कि पूछताछ में क्या निकल के आता है और जो आरोप लगे हैं वो कितना सही और कितना गलत है। जी विभांशु, आतंकवादी गतिविधियों को देखने के लिए भी और टेरर फंडिंग के लिए भी ये छापेमारी की गई है, तो क्या लग रहा है देश के अलग अलग राज्यों में और भी हो सकती है? जी बिल्कुल, अगर बात करें तो जो एनआईए है, नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी, वो साफ तौर पे अपना होमवर्क करके ही आज 106 लोगों को गिरफ्त में ली है। तो इससे साफ तौर से अगर देखें तो जो 11 राज्य हैं वो इन सभी राज्यों में जो 106 गिरफ्तारियां हुई हैं इनमें जो तमाम लोग पकड़े गए हैं उनके पीछे लगातार एनआईए की टीम और तमाम जो लोकल इंटेलिजेंस है एलआईयू है वो लगातार उन पर नजर बनाए रखे थे। मगर आके अब पूछताछ हो रही है तो अब देखने वाली बात ये होगी कि जो नेटवर्क की बात की जा रही है, जो फंडिंग की बात की जा रही है, इसके तार कहाँ तक जुड़े हैं, क्या ये देश तक ही जुड़े हैं या विदेशों तक इसके तार गए हुए हैं, वो पूछताछ और तमाम जो कार्रवाइयां हो रही है उसके बाद साफ होगा। मगर अभी कहना ये साफ नहीं कि ये इसके अन्य राज्यों में तार गए हुए हैं, मगर पूछताछ के बाद जो जवाब मिलते हैं अगर इसमें विधिवत पूछताछ हो रही है तो तमाम दस्तावेजों को चेक किया जाएगा, अकाउंट्स को चेक किया जाएगा, गैजेट्स को, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो उनके पास में बरामदी की गई उसको चेक किया जाएगा। उसके बाद ये कहना साफ होगा कि कहां तक इनके तार जुड़े हुए हैं। मगर देखा ये गया है कि पीएफआई के पास विदेशों से भी फंड आए हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि उनके अकाउंट डिटेल और तमाम जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है उसकी जो रूपरेखा देखी जा रही है, पूरी उसकी छानबीन की जा रही है, उसमें क्या निकल के आता है। और कल देर रात से पूछताछ हो रही है और अब तक देखें तो लखनऊ के अंदर में दो जगहों पर अभी इसकी पूरी छापेमारी चल रही है। और वहीं अगर सूबे की बात करें तो 8 जगहों पर इसके 8 लोगों की अरेस्टिंग हुई है और 8 जगहों पर पूछताछ और छापेमारी चल रही है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका विभांशु। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।